वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रुपेश हत्याकांड से जुड़ी कुछ सनसनीखेज बातें, आखिर क्या बताना चाहती है पटना पुलिस? असली गुनहगार को तलाशने के बजाय किसी को भी गुनहगार बनाकर सामने ले आती है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरों के साथ। प्रशासन तो मानो जैसे अपराधियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। ताजा मामला रुपेश हत्याकांड से जुड़ी है, जिसमें आरोपी ऋतुराज के एनकाउंटर की आशंका जताई जा रही है। उसकी वकील ने कोर्ट में जताई यह आशंका, तो रिमांड पर सुनवाई चली। इंडिगो के एयरलाइंस स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या से जुड़ी इस वक्त की खबर यह आपको हम बता रहे हैं। पटना पुलिस की तरफ से हत्याकांड में मुख्य आरोपी बनाए गए ऋतुराज की रिमांड को लेकर आज निचली अदालत में सुनवाई टली, लेकिन रिमांड पर कोई फैसला नहीं हो सका। उनके परिजनों ने यह आशंका जताई है कि ऋतुराज की इनकाउंटर कर दी जाएगी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया, फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। पटना पुलिस ने एक और शख्स को बुरी तरह से पीटा, थाने में 3 दिन तक किया था टॉर्चर। ऋतुराज की पत्नी से पहले उस शख्स का हो चुका था ब्रेन टॉर्चर। बिहार के बहुचर्चित रुपेश हत्याकांड में एक और नई कहानी सामने आई है। पटना के अत्याचार की ये दूसरी कहानी। दरअसल पटना कोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट से इस बात का खुलासा किया गया है कि पुलिस की ओर से बनाए गए हत्याकांड में मुख्य आरोपी ऋतुराज की पत्नी साक्षी और उसके पिता के अलावा एक और शख्स पर थाने में ज्यादती की गई थी। उसे 3 दिन तक थाने में रख कर टॉर्चर किया गया था। पटना में अपराधियों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा, दिन दहाड़े शिक्षक से छीन ले 5 लाख रुपए। अपराधी 5 लाख रुपए छीन कर हो गए फरार। घटना पटना के नौबतपुर थाने इलाके की बताई जा रही है, जहां नौबतपुर शिवाला मेन रोड पर तिवारी चक गांव के पास अपराधियों ने एक प्राइवेट शिक्षक को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार 2 अपराधी 5 लाख रुपए झपट्टा मारकर छीन लिए और भागने में सफल। RLSP की किसान चौपाल में बरसे नेता, बोले किसानों को गुलाम बनाना चाहती है सरकार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल जारी रखा है। राज्यव्यापी किसान चौपाल के 11वें दिन रालोसपा नेता ने किसान से कहा कि ये कानून किसानों को सुरक्षा नहीं देती। रालोसपा किसानों ने इस कृषि कानून के काले पक्ष को किसानों के सामने रखते हुए कहा कि SMP एक्ट का प्रावधान 18 और 19 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में दिक्कतें हैं, जो किसानों को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देती। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। लंबे अंतराल के बाद बिहार पहुंचे कन्हैया, पुलिस वालों को चिताया, कहा मुसलमानों और किसानों के बाद अब वर्दी वालों की बारी। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद JNU के छात्र संघ अध्यक्ष के वाम दल के नेता गुरुवार को बिहार पहुंचे। काफी लंबे अंतराल के बाद बिहार में किसी बड़े मंच से कन्हैया को जनता को
संबोधित करने का मौका मिला। इस दौरान मंच से कन्हैया ने सिपाहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो हाल CAA और NRC वालों का हुआ है, वही हाल हमारा और किसानों का हुआ है, अब वही हाल पुलिस वालों का भी होगा। ये सरकार एक दिन वर्दी वालों को पेंशन तक देना छोड़ देगी। पटना में SSP के खिलाफ रश्मि ने HC में दाखिल की क्रिमिनल रिट। पटना में सीनियर SSP उपेंद्र शर्मा के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की गई है। साकेत भूषण नाम के एक शख्स की तरफ से याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़ित शख्स की भाभी रश्मि कुमारी ने पटना हाई कोर्ट में SSP पटना एवं अन्य के खिलाफ कंप्लेन दाखिल की है और 5 लाख रुपए हर्जाना का दबाव ठोका है। रंगे हाथ पकड़ा गया रिश्वतखोर सरकारी अफसर। निगरानी विभाग की टीम ने घूस लेते दबोचा। इस वक्त ताजा मामला बगहा की है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने एक सरकारी अफसर को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने कार्यालय से ही इस अफसर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वार्ड पार्षद की गुंडागर्दी। निगरानी टीम के साथ की हाथापाई। पुलिस गिरफ्त से घुसखोर अफसर को भगाया। इस वक्त सनसनीखेज मामला यह सामने आया है निकलकर कि निगरानी विभाग की टीम ने एक बड़ी अफसर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा था। पटना से आई विजिलेंस की टीम ने कार्यालय से ही इस अफसर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एक दबंग वार्ड पार्षद ने आरोपी अफसर को पुलिस गिरफ्त से आजाद कराकर उसे भगा दिया। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने किया पदभार ग्रहण। गुलदस्ता देकर अधिकारी ने कर्मचारियों ने किया स्वागत। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नए मंत्रियों की तरफ से अपना कामकाज संभालने का सिलसिला जारी है। अपने अपने विभाग में पहुंचकर नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इस कड़ी में आज सुभाष सिंह ने सहकारिता विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा गुलदस्ता देकर उन्हें स्वागत किया गया। 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। अश्लील वीडियो बनाकर दरिंदों ने किया वायरल। यह शर्मसार करने वाली घटना आई है, जहां अपराधियों ने 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना मीरगंज के जिगना की बताई जा रही है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।